नमस्कार प्रिय दोस्तों, नाग पंचमी की यह पावन कथा सुनने मात्र से आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं तथा साथ ही सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखे, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके सात पुत्र थे और सातों शादीशुदा थे। सातों पुत्रों की बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुशील, सुंदर और संस्कारी थी। इन सातों बहुओं में से छह बहुओं के तो पीहर थे, जो अपनी अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ संदेश भेजा करते थे तथा तीज त्योहार पर बुलाया करते थे, लेकिन सातवीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे मीठा खाने की इच्छा हो रही थी, उसके पीहर नहीं था, तो उसने एक अपनी जेठानी के पीहर से लाए गए संदेश में से एक मीठा छुपाकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे मीठा रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से मीठा खा लूंगी। जब वह पानी भरकर मीठा लेने गई तो वहां मीठा नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक सांप का बिल थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। मीठा को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने मीठा खा लिया। उस नागिनी ने सोचा कि यदि सेठानी की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को पीहर दिखा दूंगी। सेठानी के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह मीठा खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और सेठानी के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो हमने कभी भी तुमको नहीं देखा, तुम्हारी बहन के ब्याह के 5 वर्ष बीत गए हैं, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल गए थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे संदेश, कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों जेठ के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियां उसे देखकर जल कूद रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। एक पीपल के वृक्ष के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम इच्छाधारी नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे मीठा रखा था तब तुम्हारा मीठा हमारी माँ ने ही खाया था, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर नागलोक में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने सेठानी के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नाग बच्चों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ, वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का फन जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन और उसके बेटे को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब सेठानी के बेटे की बहू ने कहा, मेरे नाग नागिन तुम जुग जुग जियो। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे तीसरे माले की चाबी देती।
अब तो सेठानी की बहू नाग माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, हर हर महादेव नाग बाबा। उन्होंने कहा कि तूने हर हर महादेव कर लिया वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जीन मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 लाख का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बेटा तेरी मूंग बोली बहन तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने सेठानी के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था, तब बड़ी माँ ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया, माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइया देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था, उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे काट जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था, बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से सोने के कंगन दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद धान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को धान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने हीरे का हार पहना दी, जिठानियां फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया, तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं है। घर के कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चे को बुला लाए, खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को तथा सुनाने वाले को सबको मिले, जैसी अनपीहरी वो पहले रही थी किसी को भी न रखें। दोस्तों, अगर आज की कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।